स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। देखो, आपको लाइट की स्पीड के बारे में पता होगा। एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। वहीं वाटर में कितनी होती है? 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड। और ग्लास के में देखो तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वाटर का कंपैरिजन करो एयर के साथ, तो वाटर कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर है। किससे? एयर से। क्यों डेंसर है? क्योंकि लाइट ऑफ स्पीड यहाँ पे कम हो जा रही है। वहीं वाटर का कंपैरिजन करें ग्लास से, तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है क्योंकि इसमें और ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जा रही है। वहीं ग्लास का कंपेयर अगर वाटर से करें तो वाटर जो है ग्लास के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट जंप कर जा रही है। वहीं एयर में क्या हो रहा है? एयर में और स्पीड ऑफ लाइट जंप कर जा रही है, इसका मतलब ये और ज़्यादा रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे बेसिकली हम रेयर और डेंसर मीडियम समझने वाले हैं। तो अ मीडियम इज सेट टू बी ऑप्टिकली डेंसर कब? इफ लाइट स्लोज डाउन। यानी वाटर और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है इन कंपैरिजन टू एयर इन इट, एंड सेट टू बी रेयरर। रेयरर कब कहा जाएगा? इफ लाइट ऑफ स्पीड अप्स इन इट। अगर लाइट ऑफ स्पीड जो है अप हो जाती है यानी इंक्रीज कर जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेयरर मीडियम है। We say that water and glass are optically denser. Water glass कैसा है? Denser है than air, air से। और in other world, air कैसा है? Rarer है। किससे? Water और glass से। अब एक और point यहाँ पे mention है और वो note करने वाली ये है कि optical density has no relation with the density of medium. डेंसिटी ऑफ मीडियम यानी मीडियम की जो एक्चुअल डेंसिटी है और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो किरोसिन है आपका, ये जो किरोसिन जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, तो ये जो किरोसिन है ना, ये आपका वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो एक्चुअल डेंसिटी किरोसिन की कैसे हुई? वाटर से कम हुई, तभी तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर हम लाइट ऑफ स्पीड की बात करें तो लाइट ऑफ स्पीड वाटर में ज़्यादा होती है, किरोसिन में कम हो जाती है। यानी ऑप्टिकली किरोसिन जो हो गया वो ऑप्टिकली डेंसर हो गया इन कंपेरिजन टू वाटर। यानी मीडियम का एक्चुअल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। दे बोथ have no relation between them, कोई relation नहीं है इनका आपस में। हम लोग यहाँ पे optically denser, optically rarer किससे देख रहे हैं? Speed of light से देख रहे हैं। Next, देखो reflection and refraction। Reflection तो हमने पढ़ रखा है, shining surface होता है, smooth surface होता है, light bounce back होती है, that phenomena is called reflection। लेकिन क्या होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है और दोनों ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी जिसमें से लाइट क्या कर सके? ट्रेवल कर सके। तो ऐसे में जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। कैसा होता है? पार्शियल, कुछ हिस्सा बस। बाकी मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है? आगे को ट्रेवल कर जाती है बिकॉज इट इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब ऐसा होता है तो ये जो सेपरेटिंग बाउंड्री है, दिख रहा है? तो सेपरेटिंग बाउंड्री पे हो क्या रहा है कि जो लाइट का जो पाथ है ना, वो पाथ चेंज हो जा रहा है। एंड व्हेन इट इज चेंजिंग व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयरर मीडियम। किसी भी दो अलग अलग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रेवल करते हुए लाइट क्या हो रही है? लाइट का पाथ ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जा रही है। तो ये जो पाथ चेंज हो रहा है लाइट का, दिस फिनोमिनन इज ओनली कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये फिनोमिनन को ही क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन में होता क्या है?
चेंज ऑफ मीडियम कॉजेज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये कहाँ हो रहा है, बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। लाइट क्या सफर कर रही है इस बाउंड्री पे, एक तो रिफ्लेक्शन पार्शियल सफर कर रही है और साथ ही साथ पार्शियल रिफ्रैक्शन भी सफर कर रही है, क्योंकि लाइट का जो पाथ है एक्चुअली वो होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट हो गई। तो पाथ से डेविएट हो गई, चेंज हो गया पाथ, इसे फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, चेंज जो आ रहा है, बदलाव आ रहा है किसमें, डायरेक्शन में, किसके, लाइट का जो पाथ है उसमें, कब आता है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हमने कहा ना, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं, इस फिनोमिनन को, लाइट रे के पाथ का चेंज हो जाना, व्हेन इट पासिंग फ्रॉम अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्यों है, क्योंकि इसी बाउंड्री पे ये चीज ऑकर हो रही है, सेपरेटिंग बाउंड्री है ना, इसी पे ये ऑकर हो रही है। चलो आगे देखते हैं कि इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, कि वेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम से फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ये रहा आपका इंसिडेंट रे, और ये जो इंसिडेंट रे है इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ये, लेकिन हो क्या रही है, ये बेंड हो रही है टूवर्ड द नॉर्मल, यानी कि इसका रास्ता किधर को चला जा रहा है, नॉर्मल रे की तरफ चला जा रहा है, बेंड कर रही है टूवर्ड द नॉर्मल। कब हो रहा है, जब ये एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तब हो रहा है। नेक्स्ट, When a ray of light travel from a denser medium to a rarer medium, from glass to air, it bend away from the normal. अब उसी का just reverse. अब medium कैसा हो गया, पहले denser है अब rarer है, यानी कि incident है किसमें, denser में, और travel कर रही है, तो अब क्या हो रहा है, rarer में जाते हुए उसकी speed jump up हो रही है, और जिसकी वजह से उसका पाथ डेविएट हो रहा है, लेकिन ये इस बार जो डेविएशन हो रहा है डेंसर टू रेयरर में, इसमें क्या हो रहा है कि जो पाथ है वो कैसा हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाएगी तो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब लाइट रे रेरर टू डेंसर जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी कहां, टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। ये हमने देखा, ये दो कंडीशन हम लोगों ने देखी, किसमें, रिफ्रैक्शन में, डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेरर टू डेंसर टूवर्ड द नॉर्मल। अब इसके आगे देखते हैं कि द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सर्फेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, कैसा है, इंसिडेंट है नॉर्मली, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये आपकी इंसिडेंट रे, या नॉर्मल भी यही ड्रॉ करते हैं। ऐसी रे ऑफ लाइट अनडिविएटेड पास होगी, मतलब इसमें थोड़ा सा भी आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कब, जब लाइट बिल्कुल इंसिडेंट है, बिल्कुल नॉर्मली है, किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी चाहे कुछ भी हो, है ना, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर हो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोई भी डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, क्यों रिफ्रैक्शन होता है। तो देखो, रिफ्रैक्शन की वजह क्या है, कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड के साथ ट्रेवल करती है इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में। When a ray of light passes from one medium to another, its direction changes because of change in speed. Speed में change आने की वजह से ही refraction होता है. Except for angle of incidence is equal to 0 degree. यानी कि except this condition के. इस condition में angle of incidence कितना है? 0. Angle of incidence जानते होगे आप क्या होता है? Incident ray और normal ray के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो
तो ये बिल्कुल क्या इसके ऊपर ओवरलैप कर गया नॉर्मल के ऊपर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। इस कंडीशन में ही सिर्फ क्या होगा कि लाइट रे अनडेविएटेड पास करेगी, बाकी सब में डेविएट होगी, एंड डेविएशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। अलग अलग मीडियम में अलग अलग है स्पीड ऑफ लाइट, बस इसीलिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, चेंज इन स्पीड, वेवलेंथ एंड डायरेक्शन ये भी देख लो कि देखो इन रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ये किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की स्पीड में चेंज आने की वजह से। द वेवलेंथ आल्सो चेंजेस, वेवलेंथ जो लाइट की होती है ना वो भी बदल जाती है, बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि हमने ये देखा कि जो वेवलेंथ है और जो स्पीड है ये दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, जबकि इधर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। द वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द मीडियम विच इट पासिस, ये दोनों की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, मीडियम के ऊपर है। यानी कि मीडियम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, उसके वेवलेंथ में भी चेंज आ जाएगा, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड करता है, सोर्स के ऊपर, कि लाइट कहाँ से आ रही है ना। बहुत सारे सोर्स होते हैं, ट्यूबलाइट है, आपका बल्ब होता है, फिर उसके बाद से लेजर लाइट है, टॉर्च है ना, लैम्प है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, हेंस द वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेस। क्या कह रहा है कि जब रेयरर टू डेंसर जाएगा, कहां जाएगा, रेयरर टू डेंसर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, तो इसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। बट इफ द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम इट्स स्पीड इंक्रीजेस, क्या कह रहा है, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो फिर क्या हो जाएगा, इसके वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इट्स डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस। तो सिर्फ और सिर्फ किसका है मेन रोल किसका है, स्पीड का है। स्पीड लाइट की चेंज होती जा रही है, हम देख रहे हैं अलग अलग मीडियम में, तो इसीलिए क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करते हुए लाइट को क्या मिल रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी लाइट का जो पाथ है, लाइट का वो चेंज हो रहा है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर रही है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, देखो एक तो ये रहा, डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल रे होता है, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ये आई है, ये आर, एंगल आई और ये एंगल आर है, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जैसा कि रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। ये चीज क्या होती है, ये चीज कॉन्स्टेंट आएगी, और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, यही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, अगर ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, तो यहाँ पे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया, यानी आई वन, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग हुआ आर वन, यहाँ पे आई टू तो यहाँ पे आर टू, और यहाँ पे आई थ्री तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, आर थ्री हो जाएगा। कहने का ये है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम,
एक पेयर दे दिया गया मीडियम वन मीडियम टू का, जैसे जैसे यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बदला तो रिफ्रेक्शन में भी बदलाव आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलोगे तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा, इन दोनों में भी चेंज आएगा, लेकिन ये जो चेंज का रेशियो है साइन आई वन बाई आर वन साइन आई टू बाई साइन आर टू और साइन आई थ्री साइन आई थ्री बाई साइन आर थ्री, ये जो रेशियो है ना ये रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और यही रेशियो जो कांस्टेंट है इसी को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे हम। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। द अबव लॉज आर नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मुलेट ही किया गया था डच साइंटिस्ट विल ब्रॉड स्नेल के द्वारा, इन्होंने ही फर्स्टली इसको फॉर्मुलेट किया था, इसीलिए इनके नाम पे इस लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। अब यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to the first medium is defined as the ratio of the sine of the angle of incidence in the first medium to the sine of angle of refraction in the second medium. The refractive index of second with respect to first is equal to sine I in first medium upon में sin r जो कि बनेगा आपका second medium में, और refractive index has no unit क्योंकि ये ratio होता है, ये ratio होता है दो similar quantities का, इसीलिए इसमें आपको कोई unit नहीं मिलेगी। Next है आपका speed of light in different media, अलग अलग media में अलग अलग speed होगा light का, और relationship between refractive index and speed of light, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशनशिप भी देखेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ऑब्सोल्यूट, डेफिनेशन उसी की है, द ऑब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या हो जाएगा, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑब्सोल्यूट अगर हमको निकालना है तो ऊपर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी जिस मीडियम का आप निकालना चाहते हो। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में सी लिया है और मीडियम में वी लिया है तो क्या ले लोगे, सी अपॉन में वी हो जाने वाला है। The absolute refractive index of a transparent medium is always greater than one. अब ये जो absolute refractive index आता है ना वो हमेशा वन से ज्यादा आता है, ऐसा इसलिए because of light in any medium is always less than that in vacuum. अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे medium है, यहाँ पे क्या है, air है, एयर में हमेशा क्या रहेगा, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी और दूसरे किसी मीडियम में भी कम रहेगा, तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू लेस रहेगी किससे, डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर की वैल्यू जो है सॉरी ग्रेटर रहेगी किससे, डिनोमिनेटर से, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम यहां पर, जैसे कि अगर हम देखें यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एयर में 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, वहीं ग्लास के साथ कंपेयर करें तो 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है ना, यहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ऊपर एयर और नीचे मीडियम, मीडियम में क्या ले लिया, ग्लास ले लिया, कितना आया आंसर, 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया, 1.5, और इस 1.5 का मतलब यह है कि लाइट ट्रेवल करेगी एयर में 1.5 टाइम्स फास्टर देन इन ग्लास, ग्लास में जो स्पीड है एयर की उससे 1.5 टाइम्स फास्टर लाइट की स्पीड होगी, किसमें, आपका एयर के अंदर। अच्छा एक चीज तो आपने देख लिया, अब देखो यहां पर दो मीडियम है, ठीक है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये भी अभी पढ़ा ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, दो मीडियम अगर हम अलग अलग ले लेते हैं तो, और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ ऑब्सोल्यूट की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो मीडियम हम लोगों ने ले लिए हैं। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका c अपॉन में v2 इंटू v1 अपॉन में c। लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या हम इसको एक मिनट, ये ऊपर ले लिया, इसके होल अपॉन में क्या हम c अपॉन में v1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। यहां पे हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में मीडियम टू ले लिया, यहां पे हमने स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे मैंने इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। एक्चुअली में ये है क्या, ये यही तो है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन में ये क्या है, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट is equal to absolute refractive index of second upon me absolute refractive index of first is equal to velocity of light in first medium upon me velocity of light in second medium. Next, it may be mentioned here that if refractive indices of medium 1 and medium 2 are same, the speed of light will be same in both the media. So a ray of light will pass from medium 1 to medium 2 without any change in its direction, even if the angle of incidence in medium 1 is not zero. क्या समझे आप? हमने ये समझा कि दो medium है, medium 1 है, medium 2, दोनों transparent medium है, लेकिन अगर refractive index मीडियम वन का इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू के, तो इवन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट जीरो, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर दोनों अलग अलग मीडियम होने के बावजूद, डिफरेंट मीडियम होने के बावजूद भी उनका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो इट मींस स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में सेम होगी, इसलिए विदाउट डेविएशन ये पास कर जाएगी। अब यहां पे कुछ मटेरियल्स हैं, एयर है, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर में 1.33, आइस में 1.31, अल्कोहल में 1.36, क्राउन ग्लास में 1.52, डायमंड में 2.42 और रॉक सॉल्ट में 1.54 है। ठीक है, तो ये कुछ याद नहीं करना है, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। कंडीशन क्या है फॉर नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज के लिए लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन, तो दो ही कंडीशन हम लोगों ने देखे। एक तो हमने देखा कि लाइट रे कैसी हो, इंसिडेंट हो नॉर्मली, ठीक है, तो अगर इंसिडेंट होगी नॉर्मली यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो अनडिविएटेड पास करेगी, चाहे मीडियम वन मीडियम टू कितना भी ज्यादा डिफर करते हो ऑप्टिकल डेंसिटी में। ठीक, ये तो परपेंडिकुलर वाली बात हो गई, ठीक है, इंसिडेंट है नॉर्मली। दूसरा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज सेम एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो भी कोई डिविएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये दो कंडीशन देख ली हमने। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मीडियम के जो अफेक्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो पहला होता है नेचर ऑफ द मीडियम, कि मीडियम का नेचर कैसा है, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है, यानी उसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, जैसे 1.55, 1.33, ये ना आपका ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, ये ऑप्टिकल डेंसिटी कह रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है हर एक मीडियम का। स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ लाइट जितना कम होगा इन अ मीडियम रिलेटिव टू एयर, एयर के कंपैरिजन में हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जितनी कम होगी स्पीड ऑफ लाइट, जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर की बात करें तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट भी मीडियम में इंक्रीज कर जाती है, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर पे बात करें या वेवलेंथ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है वेवलेंथ के डिक्रीज होने पे, यानी मैंने ये बना दिया यहां पे विपक्योर। अब इसका जो होता है वेवलेंथ कम होता है वायलेट का, सबसे कम है ना सेवन कलर्स में से, सबसे कम यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा देन वायलेट, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा होना चाहिए, सॉरी उल्टा है ना, उल्टा यहां पे क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए ज्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ यहां पे कम है, और रेड के लिए कम होगा क्योंकि वेवलेंथ यहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके आगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। तो देखो ये क्या प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है कहता है कि पाथ ऑफ लाइट रे एकदम रिवर्सिबल होती है। आपका ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, अगर AO इंसिडेंट है और BO आपका जो है रिफ्रैक्टेड रे है, तो अगर BO इंसिडेंट बनेगा ना तो AO ही क्या होगी, आपके रिफ्रैक्टेड रे होगा। ठीक है, फिर से देखना, कह रहे हैं कि अगर ये AO इंसिडेंट रे है, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, BO, तो अगर BO इंसिडेंट रे होगी तो रिफ्रैक्शन भी कौन किस पाथ पे होगा, AO पे। यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे, अगर एक का दिया रहेगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग दूसरे वाले का कैसे निकाल पाएंगे ना, एक का दिया है दूसरे का अगर पूछ रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के हिसाब से अगर हम यहां पे सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम देखें, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन आई अपॉन में साइन आर, यही लिखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यही होता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। लेकिन अगर हम इधर से शुरुआत करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ कंपैरिजन टू सेकेंड लिखें, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा साइन, अब ये आर वाला ही तो हमारा इंसिडेंट हो गया, तो क्या लिखेंगे, साइन आर अपॉन में साइन आई, ये हो गया सेकेंड। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद कंपैरिजन टू फर्स्ट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर इनटू साइन आर अपॉन में साइन आई। आप देख ही सकते हो इधर की पूरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, भाई साइन आर से साइन आर जाएगा, साइन आई से साइन आई चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वन अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। यानी कि अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हो तो हम दूसरे का ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जैसे कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 3/2। ठीक, तो अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, 1/3/2, ये कितना आ जाएगा हमारा 2/3, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये मूव करते हैं फर्दर,
नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिटरमिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में कराया गया होगा। आपको सबसे पहले एक ग्लास स्लैब लेनी है, ठीक है, ग्लास स्लैब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मिला होगा, किया होगा तो ठीक है। इस ग्लास स्लैब को आपको क्या करना है कि एक पेपर पे रख देना है, रख दिया पेपर पे, फिर उसके बाद पूरी मार्किंग कर दो चारों तरफ से, है ना। तो पूरी बाउंड्री पे हमने यहां पे रखा, इसको मार्क कर दिया, ठीक। मार्क करने के बाद ग्लास स्लैब उठा के हटा दिया। हटाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमको ड्रॉ करना है इंसिडेंट रे, और कोई भी एंगल ले सकते हैं हम, एंगल 40 डिग्री ले सकते हैं, 50 डिग्री ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, हमारी मर्जी, हमने ले लिया। ये जो इंसिडेंट रे हमने प्रोटेक्टर की मदद से इस पे रख के बनाया, 40 डिग्री मान लो, इसको 40 डिग्री का बनाया हमने, इस लाइन पे दो पिन लगा दिए। क्या लगाया हमने, इस पे दो पिन लगा दिए। दो पिन लगाने के बाद अब क्या करेंगे, हम अपना जो ग्लास स्लैब हमने हटा दिया था, इसको लाकर दोबारा इस पे रख देंगे। रखने के बाद क्या करना है, रखने के बाद आपको दूसरी साइड से उन दोनों पिन्स को जो आपने लगाया हुआ है, अब ग्लास के थ्रू देखने की कोशिश करो, और देख के क्या करोगे, तुम्हें दोनों पिन लगा देने हैं। दोनों पिन लगा देने के बाद दो पिन की मदद से आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन उनके थ्रू जाते हुए खींचोगे, ये यहाँ पे मीट करेगा। अब इन दोनों लाइंस को आपको ज्वाइन कर देना है। ये जो एंगल आएगी, ये कौन सी आएगी, एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये तो सिर्फ एक बार हुआ, सेम चीज आपको यहाँ पे एंगल बदल के करनी है। 40, 50, 60, 70, 80 मिनिमम 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आप जितना ज्यादा लोगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, है ना, उतना ज्यादा आपको वैल्यू क्या मिलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी, है ना, जितना ज्यादा आप लोगे। तो देखो 40, 50, 60 हर बार क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ड्रॉ कर रहे हो तो हर बार देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है, फिर साइन आई साइन आर, तो साइन आई बाई साइन आर निकलेगा 5 times, तो सबको ऐड कर देना, ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना, जो एवरेज वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब यहीं पे अगर इंसिडेंट रे जो थी हमारी, उसको हम लोग क्या कर दें, उसके पाथ को एक्सटेंड कर दें। क्या कर दिया हमने, उसके पाथ को एक्सटेंड कर दिया, ये हो गई उसकी ओरिजिनल पाथ। अच्छा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे वापस से एयर में आ गई, इसका नाम क्या हो गया, इमर्जेंट रे। कौन सी रे कहलाती है, ये इमर्जेंट रे हो गई। अब ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल वाला पाथ था, सबसे पहला वाला, हम देखेंगे कि जो इमर्जेंट रे है ये पुराने वाले इंसिडेंट रे के पाथ के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, यानी कि रास्ता वही है लेकिन लैटरली इनके बीच में एक शिफ्ट आ गया है, डी मान लो। तो यही जो शिफ्ट आया ना इस पाथ में, इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिसप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, यही रहा आपका रिफ्रैक्शन है ये तो, ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ये जो एक्सपेरिमेंट अभी आपने देखा है ना, पिन रखोगे आपको यहाँ पे वो दिखेगा, आप उस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो। ये वाला डायग्राम देखो अभी आगे आ रहा है, और यही चीज है देखो कि जो इमर्जेंट रे है इज लैटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। पाथ जो है ना उससे बस लैटरली क्या है, ये डिस्प्लेस हो गया, इमर्जेंट रे जा रहा है सेम डायरेक्शन में ही लेकिन लैटरली डिस्प्लेस्ड है, डी। और ये जो जितना शिफ्ट है ना ये डी, यही शिफ्ट क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है इंसिडेंट रे की जो ओरिजिनल पाथ है उसमें और जो इमर्जेंट रे वाली पाथ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, कैसे, थिकनेस पे ग्लास ब्लॉक के, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एंड देयरफॉर आल्सो ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, की किस कलर का आपने लाइट यूज किया है। 7 colors आर देयर विप क्योर, तो उसमें कौन सा वाला आपने यूज किया है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, टी साइन
आई माइनस आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन अपॉन में कॉस आर। ये फॉर्मूला ना आपको पढ़ना है ना कोई आपको इसका यूज है, ये बस डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्टली थिकनेस के ऊपर। टी किसके लिए है? थिकनेस ऑफ ब्लॉक। आई किसके लिए है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन के ऊपर। रिफ्रेक्शन का एंगल जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आएगा ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? इंक्रीज करता है किसके साथ? वेवलेंथ में डिक्रीज होने के साथ साथ। सो द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगा ठीक है, तो ऐसे में आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट था है ना, ये आपका इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए? वायलेट के लिए ज्यादा रहेगा और लेटरल डिस्प्लेसमेंट रेड के लिए आपका कम रहेगा। ठीक है, कलर पे डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है आपका कि मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। अब यहां पे देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर ये A2 वाली इमेज जो है ना, ये सबसे ब्राइटेस्ट दिखती है। क्यों दिखती है ये जानेंगे हम लोग इसमें। ये एक मोटा सा ग्लास है ना, थिक ग्लास है। कौन सा? MNLP वाला, ये वाला जो ग्लास है ये काफी मोटा सा ग्लास है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम अपनी आंखों से यहाँ पे कैसे देख रहे हैं? ऑब्लिकली देख रहे हैं। तो सबसे पहली रे ऑफ लाइट जो आई, ध्यान देना ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम और ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कहां पे पेंटेड है? तो यहां नीचे की तरफ ये पेंटेड है। ठीक है, नीचे की तरफ पेंटेड है। ये सबसे पहला ये जो इंसिडेंट रे यहां पे आया, अब ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, मैंने बताया था ना बहुत पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, 4% रे चली गई, रिफ्लेक्ट हुई वापस। तो एक इमेज तो तुमको यहां से भी दिखेगा क्योंकि लाइट जिस साइड से ट्रेवल हो रही है, तो पीछे इमेज भी बनेगा और इमेज बनेगा तुम्हारा A1। अब ये जो A1 इमेज बन रहा है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है? सिर्फ देख सकते हो 4% के लगभग। तो इससे जो इमेज तुमको मिल रही है ना, ये इमेज कैसी मिल रही है? ये इमेज धुंधली मिल रही है। वही लाइट जैसे ही इस मोटे ग्लास में एंटर की तो मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्ट। अब जब मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट होगी और यहां पे क्या होगा? यहां पे पॉलिश्ड सरफेस है, तो पॉलिश्ड सरफेस पे अब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन एयर में जाके रिफ्रैक्ट हो रही है और ये क्यू पोजिशन पे इमेज बन रहा है। क्यू पोजिशन से देखने पे यहां सीधे में इमेज बनेगा और ये सिर्फ 4% थी, बाकी ये 96% था। तो ये टोटल 96% इधर से आता हुआ दिखाई देगा, यानी ये 96% के सामने वाला जो इमेज होगा वो सबसे ब्राइटेस्ट होगा। कैसा होगा? सबसे ब्राइटेस्ट। अब यहां पे भी सरफेस है, इस सरफेस पे भी क्या होगा? लाइट रे थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके अंदर आएगी, अंदर आएगी तो फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होकर यहां भी इमेज बनाएगी। अच्छा, इमेज तो बनेगा 2-3 बार 4 बार बनेगा, लेकिन यहां 5 times में से सबसे ब्राइटेस्ट कौन सी दिख रही है? सिर्फ और सिर्फ A2 दिख रही है। और वो क्यों दिख रही है? क्योंकि पार्शियल रिफ्लेक्शन के बाद टोटल ये रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन वाली जो लाइट जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है? यहां C के थ्रू Q तक जा रही है। तो Q पे जो इमेज बनता हुआ सामने दिखाई देगा आईने में वो सबसे ब्राइटेस्ट होगा। तो इफ अ पिन कैंडल और अ फ्रेम इज placed in front of a thick plain glass plate or a thick mirror and is viewed obliquely, उधर से obliquely देखोगे number of images तुमको दिखेंगे और इन सब में से सबसे second वाला जो image होगा वही सबसे चमकदार दिखेगा, बाकी सब आपको diminution दिखेंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं किसके? prism की बात करते हैं। prism कैसा होता है भाई? जैसा दिख रहा है transparent है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, रिफ्रैक्ट होगी लाइट इसमें से, रिफ्लेक्ट इस रिफ्रैक्ट क्यों होगी? क्योंकि ये एयर का है और ये ग्लास का बना हुआ है तो रिफ्रैक्शन होगा।
by two plane surfaces, कहां पे होगा? एक इस plane surface पे, एक इस plane surfaces पे होगा. Inclined at same angle, यानी किसी angle पे ये क्या हुए हैं? Inclined किए हुए हैं. The plane surface through which the light enter, light passes are called the refracting surfaces. ये जो ब्लू कलर वाला सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्योंकि लाइट रे यहीं से पास करने वाली है. द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म. ये जो एंगल ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म है. द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म. यहां पे ये दोनों जहां मिल रहे हैं, इस एज को कह रहा है रिफ्रैक्टिंग एज. ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दोनों यहां मिल रहे हैं, तो इस एज को कह रहा है रिफ्रैक्टिंग एज. इसके बाद है सेक्शन ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. रिफ्रैक्टिंग एज के परपेंडिकुलर में जो पूरा सेक्शन है, ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है प्रिज्म का, यानी ट्रायंगल एबीसी. और अच्छे से इसको देख लो, ट्रायंगल एबीसी प्रिंसिपल सेक्शन है एबीसी. फिर उसके बाद एंगल बीएसी, बीएसी यही वाला एंगल ऑफ द प्रिज्म है. फिर इसके बाद शेडेड सरफेस जो एबीईडी है, एसीएफडी है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं. जो ब्लू कलर्ड हैं उनको कह रहा है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, क्योंकि लाइट रे यहीं आएगी, रिफ्रैक्ट होगी. लाइन एडी इज द रिफ्रैक्टिंग एज, एडी जो है आपका रिफ्रैक्टिंग एज है. और जो सरफेस बीसीएफई है, बीसीएफई जो वाइट कलर में है, ये क्या है? आपका बेस ऑफ द प्रिज्म है, जो यूजुअली क्या है? ग्राउंडेड है नीचे. अब यहां पे देखो रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये भी देखेंगे कि डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ द प्रिज्म के अंदर क्या रिलेशन है, उसके लिए हम लोग डिराइव करेंगे. अब ये मोस्टली ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो जिन्होंने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है उनको बिल्कुल यहां पर समझ में आ जाएगा. और मैं कुछ चीजें यहां पर लिख रहा हूं मार्क करके बारी बारी से. तो लाइट रे यहाँ पे पहले तो हम समझा दे रहे हैं कि लाइट रे यहाँ पे आई है, इंसिडेंट है, तो लाइट रे को जाना चाहिए सीधा, लेकिन लाइट रे यहाँ पे जा रही है. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये एयर है और ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का बना हुआ है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है. और रिफ्रैक्शन में ये कहाँ जाएगी? ये आपका नॉर्मल रे है, नॉर्मल ये है, तो ये कहाँ जाएगी? टूअर्ड द नॉर्मल जाएगी. फिर उसके बाद यही लाइट अब इस इन दोनों के बीच में देखो तो यहाँ इंसिडेंट है. अब ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट है और ये रहा आपका नॉर्मल. तो अब लाइट रे ग्लास से कहाँ इंटर करने वाली है? एयर में इंटर करने वाली है. अब स्पीड इसका इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा स्पीड, तो ये बेंड होगी कहाँ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी. नॉर्मल इधर है ना, तो अवे हो जाएगी नॉर्मल से. तो ये फिनोमेनन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दो बार ये लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है. किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिज्म. तो यही आपके रिफ्रैक्टिंग एजेस, रिफ्रैक्टिंग सेक्शन है जिसके ऊपर से लाइट क्या कर रही है? आपका डेविएट हो रही है. और ये प्रिंसिपल सेक्शन दिखाया हुआ है. ये डायग्राम कैसा है? 3D डायग्राम है. तो ये सामने से बिल्कुल दिखाया हुआ है, इस तरीके से लाइट रे जा रही है. तो अब हम लोग देखते हैं बाकी चीजें. हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला है ना डिराइव करने वाले हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप. एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे का एक्सटेंडेड वाला पार्ट. तो क्या यहां पे एंगल आई इक्वल नहीं है डेविएशन प्लस आर वन के? है या नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए. इसका रीजन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है. ये एंगल और ये पूरी एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है. एंग अब डेविएशन फर्स्ट वाला, ये वाला डेविएशन इज इक्वल टू आई
वन है, सॉरी यहाँ पे आई वन है, तो इसको मैं आई वन लिख रहा हूँ, आई वन माइनस आर वन, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसी तरीके से जस्ट यहां पे आ जाओ, ये इमर्जेंट रे जो निकली हुई है, यानी यहां से इंसिडेंट, यहां से रिफ्रेक्टेड, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, यहां से भी ये दोनों एंगल कैसी हैं, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, यानी कि यहां पे I2, I2 इज इक्वल टू डेविएशन 2 प्लस R2, यानी कि डेविएशन सेकेंड वाला इक्वल हो जाएगा I2 माइनस R2 के, R2 इधर आएगा माइनस में, यहां पे भी R1 आएगा माइनस में, ठीक है। फिर यहां पे हम लोग आगे देखते हैं, ये दो चीजें तो दिख गई, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा लिया, अब कौन से ट्रायंगल देखने वाले हैं, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया ना, सिर्फ ये ट्रायंगल देखो, यहां पे ये जो डेविएशन है, टोटल डेविएशन, ये डेविएशन वन और डेविएशन टू के इक्वल है या नहीं है, तो बिल्कुल है, डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन वन प्लस डेविएशन टू, और ऐसा इसलिए क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। तो यहां से हम इसको पिक करते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन प्लस डेविएशन टू, डेविएशन वन का मतलब आई वन माइनस आर वन, आई वन माइनस आर वन प्लस डेविएशन टू यानी I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, डेविएशन वन की जगह पे इसको डेविएशन टू की जगह पे ये मैंने यहां पे पुट कर दिया, क्या बना, I1 प्लस I2 एक साथ माइनस R1 माइनस R2 एक साथ, यानी कि I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में ऐसे कर दूं माइनस R1 प्लस R2 हमने कर दिया, ठीक है, किसके लिए, ये जो टोटल डेविएशन आ रहा है इसके लिए। अभी क्या करो, फिर से सब कुछ इरेज करो, ठीक है, इरेज किया, अब ये वाले सेक्शन देखो, इस वाले सेक्शन में परपेंडिकुलर है क्योंकि ये नॉर्मल रे का ही है, तो एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, ये नॉर्मल रे है, इधर से भी क्या है, ये नॉर्मल रे है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये सामने सामने की एंगल कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई, कौन सी, एंगल ए प्लस एंगल, इसका नाम क्या है, पी एन क्यू, एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360, 90 यहां गया, 90 यहां गया, 180 गया, तो सामने सामने की एंगल कितनी हो गई आपके, 180 हो गई। अगेन इसको रब करो, अब सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है, सिर्फ R1 प्लस R2 प्लस PNQ इज इक्वल टू 180, तो PNQ इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2, यही तो होगा, ठीक है। अच्छा, यहां से PNQ की वैल्यू अगर हम निकालें, है ना, यहां से, तो एंगल PNQ इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस A, ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दो, PNQ और A मिला के 180, तो PNQ 180 माइनस A और PNQ इस ट्रायंगल के भी अकॉर्डिंग 180 माइनस R1 प्लस R2, तो यहां कहीं पे हम लोग करते हैं फ्रॉम वन एंड टू, फर्स्ट और सेकेंड से PNQ की वैल्यू 180 माइनस A, 180 माइनस
ए, और पी एन क्यू की वैल्यू 180, सॉरी इसको क्यों मैंने कर दिया, 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। ठीक है, हमने 180 कैंसिल किया, माइनस साइन इस माइनस साइन को कैंसिल करेगा, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। आर वन प्लस आर टू की जगह पे क्या लिख देंगे, ए। ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी कि डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, या फिर टोटल डेविएशन प्लस एंगल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। और ये कहीं पे अगर हम लोगों को यूज करने के लिए आएगा तो न्यूमेरिकल्स में इसका यूज हुआ है। तो ये रिलेशनशिप है इनके बीच में, ठीक है, कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, है ना, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ द प्रिज्म और टोटल डेविएशन के इक्वल होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। तो पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस मटेरियल प्रिज्म का, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म यानी कि किस एंगल पे दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस मिल रहे हैं, और फिर कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, किस कलर का या वेवलेंथ का लाइट हमने यूज किया है। सब पे डिपेंडेंसी देखेंगे वन बाई वन। तो डिपेंडेंसी ऑफ एंगल, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो शुरुआत में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने के बाद एक मिनिमम वैल्यू तक आता है, और इस मिनिमम वैल्यू पे होता क्या है ना, कि जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल पैरेलल जाता है किसके, बेस के। फिर इस मिनिमम वैल्यू के बाद क्या होता है, अगेन जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना वो इंक्रीज करता जाता है, फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते करते। ये भी और आगे, अभी एक और अभी आप डायग्राम देखोगे बेहतर समझोगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे पहले एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा, पहले एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा एंड रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक सर्टेन वैल्यू तक पहले तो ये डिक्रीज कर गया, मिनिमम हो गया। दिस पोजिशन ऑफ प्रिज्म इज एट विच इंसिडेंट रे सफर्स मिनिमम डेविएशन इज कॉल्ड द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। और ये वो कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, जब इंसिडेंट रे सबसे कम डेविएशन सफर करेगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले में देखोगे आप कि पैरेलल जाएगा बेस के। उसके बाद बाय फर्दर इंक्रीजिंग इस मिनिमम डेविएशन वाले वैल्यू के बाद, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद होगा क्या, उसके बाद फर्दर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे तो आप डेविएशन इंक्रीज करता चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन इज फाउंड टू इंक्रीज। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, फर्दर और बढ़ाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, शुरुआत में घटेगा, एक मिनिमम वैल्यू तक आएगा, फिर जंप करेगा। इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन द रिफ्रेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म ट्रेवल्स पैरेलल टू इट्स बेस इफ द प्रिज्म इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल अगर रहेगा प्रिज्म तो मिनिमम डेविएशन के केस में होगा क्या, कि जो लाइट रे है ना बिल्कुल बेस के पैरेलल मूव करेगी। अब 70 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पे डेविएशन 43 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री, तो डेविएशन देखो कितना 36, यानी कि माइनर चेंज, यहाँ पे मेजर चेंज। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, यानी कम रखा है, तो भी डेविएशन कितना है 47 है, यानी कि ज़्यादा चेंज है। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता जाएगा, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, यानी कि डेविएशन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत में तो कम होता है, फिर उसके बाद क्या होने लगता है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करने लगता है। सेकेंड, डिपेंडेंस ऑन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है ये, तो देखो कि इट इज फाउंड दैट फॉर ए गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म विद अ हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी कि फ्लिंट ग्लास प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर डेविएशन दैट द प्रिज्म विच हैज लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो,
तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा डेविएशन होता है। ठीक है, जो प्रिज्म ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ होगी ज्यादा डेविएशन प्रोड्यूस करेगी, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ होगी तो कम डेविएशन प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट है कि डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म, इस एंगल के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो डेविएशन भी क्या हो जाएगा, ये जो डेविएशन है ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो कलर पे कैसे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, कलर या वेवलेंथ पे। तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है फॉर अ गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज डिफरेंट फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने देखा कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रेड के लिए सबसे कम होगा। इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कहा ना, वेवलेंथ अगर बढ़ता चला जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स घटता चला जाएगा। दस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर अ प्रिज्म इज मैक्सिमम फॉर वायलेट एंड लीस्ट फॉर रेड, रेड के लिए सबसे कम रहेगा। कंसिक्वेंटली इसीलिए अ गिवन प्रिज्म डेविएट द वायलेट लाइट मोस्ट एंड द रेड लाइट लीस्ट। यानी कि डेविएशन किसके लिए, वायलेट के लिए सबसे ज्यादा रहेगा और डेविएशन रेड के लिए सबसे कम रहेगा। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोग रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि वो मेले वगैरह में भी तुमने देखा होगा कि वो बड़ी सी बाल्टी रहती है और नीचे सिक्का रहता है, अंगूठी रहती है, कुछ भी रहता है, ऊपर से वो बिल्कुल बैंगल वगैरह टाइप का देगा और कहेगा कि अगर आपका ये जाके बिल्कुल उस पर गिर गया, मतलब उस वो राउंड पूरा उस पर लग गया और वो सेंटर में आ गया उसके या उसके अंदर भी आ गया तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। कई बार मछली मारते हुए भी लोगों को देखा होगा कि वो जो तीर वगैरह से निशाना लगाते हैं तो भी निशाना नहीं लगता है ना। मुजरिम भी क्या करता है, पानी में सबसे पहले नीचे डूबने की कोशिश करता है क्योंकि अगर उसकी विजिबिलिटी भी अगर आएगी ना तो ऊपर वाले को क्या होगा, वो गलत जगह पे दिखाई देगा, जहां पे एक्चुअल होगा उससे गलत दिखाई देगा पानी में। इसीलिए देखा होगा कभी भी मूवीज वगैरह में कि जब वो कूदते हैं पानी में पुल वगैरह से तो सबसे पहले डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जितने ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो फिर ऊपर से जो अपीयरेंस है उनका वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा, मतलब वो अलग जगह पे दिखाई देंगे। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि रियल डेप्थ क्या होता है और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम अपीयर्स टू बी एट अ डेप्थ लेस देन इट्स रियल डेप्थ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में डाल दिया, ये कौन सा मीडियम है हमारा, रेरर, ये कौन सा मीडियम है हमारा, डेंसर। तो हमने किसी चीज को अगर डेंसर मीडियम में डाल दिया और रेरर मीडियम से हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है अपने रियल डेप्थ से पे नहीं दिखता बल्कि अपेरेंट डेप्थ पे दिखता है, हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, इसकी वजह से। द शिफ्ट ओ आई बाई विच द ऑब्जेक्ट अपीयर रेस्ड डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब ये क्या है ना, इतना ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था लेकिन हमको दिखाई दे रहा है यहां पे। तो ये जो यहां से यहां तक का शिफ्ट है ओ आई, ये शिफ्ट डिपेंड करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है। थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, ये जो डेंसर मीडियम है इसका थिकनेस कितना है, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ही ज्यादा शिफ्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। द कलर और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का कौन सा कलर है वो तो हम लोगों ने देख लिया, वायलेट के लिए मोस्ट है, रेड के लिए लीस्ट है। द शिफ्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे कैसा होगा कि इंक्रीज करेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ, एंड ऑल्सो विद द इंक्रीज इन द थिकनेस। थिकनेस जितना बढ़ाते जाओगे शिफ्ट भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जितने ज्यादा गहरे पानी में वो चाहते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा जो है कि शिफ्ट बढ़ता जाएगा, यानी वो कहीं और नजर आएगा। बट द शिफ्ट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द
वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ, वेवलेंथ रेड की अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे शिफ्ट जो है इसके लिए, शिफ्ट जो रेड के लिए होगा वो कम होगा देन शिफ्ट किसके लिए, वायलेट के लिए। ठीक है, कलर पे बिल्कुल वॉइस उल्टा हो जाएगा, रेड पे कम होगा, किस पे ज़्यादा होगा, वायलेट पे सबसे ज़्यादा होगा, कलर पे डिपेंडेंसी। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इसको देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब तो ये वाली लाइन जो है हमारी ना, वो बिल्कुल क्या है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जो रियल में डेप्थ है वो हमने यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर लगाया हुआ है। अच्छा, ये कौन है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। क्या है ये, एक ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होने की वजह से यहाँ पे कितनी एंगल बनेगी, अगर यहाँ पे एंगल आर है तो यहाँ पे भी एंगल आर बनेगा। वही बात करें नीचे की तरफ तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये वाला लाइन कैसा काम कर रहा है, वो भी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल आई है अगर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये फॉर्म करेंगे अल्टरनेट एंगल। तो इतना तो हमको पता चल गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, हमने इसको ऐसे मिटा दिया, इरेज कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे साइन आई साइन आर, तो ऊपर कौन सा है, एयर है, साइन आई इधर से ले रहे हैं, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। अब साइन आई अपॉन में साइन आर के लिए ना हमने ट्रायंगल्स बदल लिए। ये फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अब ट्रायंगल्स कौन से ले रहे हैं, ए बी ओ और ए बी आई ले रहे हैं। दिख रहा है ए बी आई और ए ओ बी, ये बड़ा वाला और छोटा वाला हमने ट्रायंगल यहाँ निकाल दिया, साइन आई बाई साइन आर। लेकिन अब आई और आर यहाँ रख के हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे किस को रहना है, एंगल आर को, और यहाँ किस एंगल को रहना है, एंगल आई को रहना है। तो यहाँ पे आर और आई के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। ये भी 90 डिग्री का ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री का, दिख रहा है यहाँ पे। साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी आई, लिख दिया। यहाँ आते हैं, यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू, साइन आर निकल गया, साइन आई परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि बी ओ। तो क्या हम यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्या पुट करना है, साइन आई की जगह पे ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ होल अपॉन में ए बी अपॉन बी आई। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या आया, बी आई अपॉन में बी ओ। अब एक चीज देख देखना, ये जो हमने ए और बी का लेंथ लिया है ना, एक्चुअली ए बी का जो लेंथ होता है वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि हम देखते कहाँ हैं, वर्टिकली ऊपर से ही देख रहे हैं और हमको ऊपर से ही जो डेप्थ दिखाई दे रहा है वो कम दिखाई दे रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर रेज्ड किया हुआ दिख रहा है और वो भी ऊपर से ही। तो अगर ये लेंथ जीरो है, अगर ये लेंथ जीरो है, यहाँ पे कोई लेंथ नहीं, तो बी को ओवरलैप कर दें हम ए पे। तो बी को अगर ओवरलैप करेंगे ए पे, तो ये जो हमारा बी ओ था, ये दिख रहा है, ये बी ओ एक्चुअली में क्या है, बिल्कुल यहीं पे है और वो क्या है, बी ओ। तो क्या लिखेंगे हम, बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, और दूसरा वाला जो मेरा बी आई है ना, बी यहाँ ओवरलैप हुआ तो बी आई है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई के इक्वल। बी आई किसके इक्वल हो जाएगा, तुम्हारा ए आई के इक्वल। अब यहां वैल्यू में पुट करो, बी आई पुट करो ए आई, बी ओ की जगह पे क्या पुट करो, ए ओ। ए आई है क्या, ए से लेके आई तक ये तुम्हारा अपेरेंट डेप्थ है, और ए ओ क्या है तुम्हारा, ये ए ओ तुम्हारा रियल डेप्थ है। ठीक है, और कब, जब हम एयर का ले रहे हैं ग्लास के साथ, और अगर हम यही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ले लें किसका, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ
अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। अब ये मत पूछना कैसे हुआ, वो बता दे रहा हूँ अगर पूछोगे भी तो भी। ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर ग्लास का एयर के साथ है तो वन अपॉन में ये किसके इक्वल होगा, एयर का ग्लास के साथ। तो ठीक है, क्या आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ के इक्वल आ गया। या फिर क्या क्या कह सकते हो तुम, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में क्या कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक, आई होप ये आपको जरूर समझ में आया होगा कि आया कैसे, है ना। देखते बिल्कुल ऊपर सही है, ये तो बस हमने डिराइव करने के लिए इतना गैप इतना बड़ा बना दिया, वरना एक्चुअली में ये दोनों चीजें वर्टिकली ही होती हैं आपके। तो यहां पे आपका शिफ्ट कितना है, ये रहा देखो, शिफ्ट इज इक्वल टू ए ओ यानी कि रियल डेप्थ माइनस ए आई यानी कि अपेरेंट डेप्थ, यानी कि ये रियल माइनस ए आई अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, और ये शिफ्ट क्या है तुम्हारा, आई ओ है। रियल डेप्थ तो ठीक है, रियल को रियल लिख देते हैं। अपेरेंट डेप्थ कितना दिया हुआ है, रियल डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ अपॉन में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये भी काम आएगा अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, आगे देखते हैं होता क्या है। अब अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। देखो बहुत सारे हम लोग ना फिनोमेनन देखने वाले हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब यहां पे स्टार है और यहां पे आप हो, ठीक है, आप कहीं पे हो। अब तारा आपको टिमटिमाता हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां पे ना मूविंग पॉकेट्स जो एयर के हैं ना, अलग अलग टेम्परेचर पे चेंज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो इसीलिए जब आपको इधर से दिखाई दे रहा तो आपको तारा इधर दिखेगा, जब इधर से दिखाई देगा तो तारा कभी इधर दिखेगा, तो अपनी ही पोजीशन पे आगे पीछे आपको दिखाई देगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। द सन इज सीन अ फ्यू मिनट बिफोर इट राइजेज अबव द हॉरिजोन इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग फ्यू मिनट्स लॉन्गर आफ्टर इट सेट्स। यानी सनसेट में भी 2 मिनट लेट हो रहा है और सनराइज 2 मिनट पहले। आप कहीं यहां पे हैं, ठीक, और आप एक्चुअली देखें तो भाई सूरज कहां है, हॉरिजोन है, हॉरिजोन से नीचे है, यानी सूरज अभी डूबा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सूरज की जो रेज है वो रेज जा रही है ऊपर तक, और ऊपर तक जब जा रही हैं तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड हो जा रही हैं, और बेंड होने की वजह से क्या हो रहा है, वो आप तक पहुंच जा रही हैं टुवर्ड द नॉर्मल। और आप तक क्योंकि ये तो वैक्यूम है, यहां पे क्या है, एयर है, और एयर में क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल ये आपको दिख रही है। तो अब आपको जो लाइट रेस दिख रही है उसकी वजह से आप इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हो, आपकी आंखों पर इमेज फॉर्म हो रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है कि सूरज अब क्या है, उग चुका है। और यही डिले सनसेट के लिए, कि मान लो सूरज क्या हुआ, सनसेट हो चुका है, अब सनसेट हो गया उसके बावजूद भी 2 मिनट बाद भी क्या हो रहा है, उसकी रेज आप तक पहुंच रही है, यानी कि आपको अभी भी क्या लग रहा है कि सूरज अभी भी आसमान में है, दिख रहा है ना, इसलिए ऐसा होता है। अ क्वाइन केप्ट इन अ वेसल एंड नॉट विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम जस्ट बिलो द एज ऑफ द वेसल can be viewed from the same position when the water is poured into the vessel. Coin kept in a vessel, coin vessel में रख दिया गया है, visible नहीं है, जैसे कि जब एज से ही देखा जाए तो दिख नहीं पा रहा है आपको। तो अब आपको दिख नहीं पा रहा है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर पानी पोर कर दो, तो पानी जब आपने उड़ेल दिया ना, अब क्या होगा, रेज दिखेगा अबव, तो आपको वो दिख जाएगा। अब नेक्स्ट है, A print appears to be raised when a glass block is placed over it. अगर जैसे स्केल है, स्केल भी काम करता है कुछ हद तक, कभी स्केल रख के अपनी बुक्स पे रख के देखना, लाइनिंग्स पे थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देगी आपको, जो प्रिंट है उसके ऊपर बुक का, अल्फाबेट्स आपको उभरे हुए दिखाई देंगे।
A piece of paper is stuck at the bottom of a glass block appear to be raised when seen from above. अब नीचे चिपका हुआ है, अब ऊपर से देखोगे तो ये raised दिखाई देगा. तो ये तो वही वाला condition हो गया जो अभी real और apparent depth वाला हम लोगों ने किया. तो ये उसी का phenomena है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. A tank appears shallow than its actual depth. कभी कभी लगता है कि नहीं गहराई कम है. क्यों? क्योंकि पानी उथला लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो ज्यादा गहरा होता है ना. ज्यादा गहरा, गहराई कितना है? ए ओ तक है, लेकिन एक्चुअली में आपको अपीयर हो रहा है सिर्फ इतना, है ना. अरे नहीं कुछ नहीं होगा, है ना, रिस्क ले लो, पता चलेगा. फिर यहाँ पे अ पर्सन्स लेग, कोई व्यक्ति है उसके जो पैर हैं वो छोटे दिखाई देंगे जब वो टैंक के अंदर है. कोई टैंक के अंदर है तो उसके जो पैर है ना वो नॉर्मली कैसे दिखाई देंगे? एक ऑब्जर्वर अगर बाहर से देखेगा तो उसको उसके पैर छोटे दिखाई देंगे. कभी घाट वगैरह पे भी देख लेना जाके इसको भी, ठीक है. इसके बाद एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम अपीयर टू बी अ लेसर डेप्थ. अब यहां पे मछली वाला ही केस ले लो. अब ये कहां है? एक डेंसर मटेरियल में है, यानी कि वाटर में है. जब हम एयर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? हमको रेज्ड अबव दिखेगा, यानी अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देगा. एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रेयरर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम अपीयर टू बी एट ग्रेटर डिस्टेंस देन इट्स रियल डिस्टेंस. अब क्या कह रहा है? अब अगर कोई डेंसर मीडियम में है और रेयरर मीडियम में देख रहा है तो डेंसर से रेयरर में देखेगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसको ग्रेटर डिस्टेंस पे दिखाई देगा देन रियल डिस्टेंस. यानी कि अगर कोई यहीं पे है तो वो उसको और ज्यादा दूर दिखाई देगा. अगर कोई चीज छोटी है तो उसको और ज्यादा कैसे दिखाई देगी? लार्ज दिखाई देगी. ये भी किसकी वजह से होगा? रिफ्रैक्शन की वजह से होगा. अब इस वाले में, अब इसके आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए देखो हम लोगों को क्या करना है. हम लोगों जैसे रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो रिफ्रैक्शन में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप, ठीक. अब रिफ्रैक्शन में मोस्टली क्या कर रहे थे हम लोग? एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट को पास करा रहे थे, मोस्टली तो यही हो रहा था. लेकिन अब हमको पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इसमें क्या करेंगे हम? इंसिडेंट करेंगे लाइट रे को किस तरफ से? डेंसर मीडियम में. ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास टू अ रेयरर मीडियम एयर एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो पहला केस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है. यहां पे आई सी और आई सी. क्रिटिकल एंगल होता क्या है ये अभी हम समझेंगे. अभी इन चीजों को आप छोड़ दो, इधर आओ. ये इंसिडेंट रे, ये हमारी नॉर्मल रे. और हमने पढ़ रखा कि जब डेंसर से रेयरर जाएगा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. अब ये जो इंसिडेंट रे था, अब इसको हमने ऊपर किया तो अब ये जो बेंडिंग होगी लाइट रे की वो और ज्यादा इधर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. फिर और ज्यादा हम इसको ऊपर करेंगे तो फिर पता चलेगा एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल सरफेस पे जाएगी, बिल्कुल बाउंड्री पे जाएगी, ठीक है. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्रैक्शन कहां पे होगा? आपका बाउंड्री पे होगा या फिर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल होगा. उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्रिटिकल एंगल है. क्या नाम है उसका? क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है बल्कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्रैक्शन बिल्कुल कैसा होगा? बाउंड्री पे होगा, दोनों सेपरेटिंग सरफेस के बीचों बीच होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा तब. क्योंकि इससे थोड़ा सा भी आगे जाने पे अब ये रे ऑफ लाइट जो सरफेस पे जा रही है अब ये और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी चाहिए. यानी अब ये और थोड़ा सा भी हमने इसको ऊपर उठाया ये पूरी की पूरी अंदर आ गई. अब क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? ये तो रिफ्लेक्शन वाला केस हो गया ना. रिफ्रैक्शन का मतलब एक मीडियम से दूसरे में जाना, दो मीडियम टू डिफरेंट मीडियम रिफ्रैक्शन.
बट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन हो गया। और क्रिटिकल एंगल से जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे तो लाइट रे क्या हो जाएगी, सेम मीडियम में स्ट्राइक बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और ये क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्टेड रे है। और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं, सॉरी इस फिनोमिनन को नहीं, इस फिनोमिनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जितना बढ़ाते चले जाएंगे अवे अवे, एक बार सरफेस पे आएगी तो क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी ज्यादा किया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये राइट रे सेम मीडियम में वापस आ गई। ये तीन कंडीशन थे। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं बस एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो था डेंसर मीडियम के अंदर, करेस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट, 90 डिग्री। इन अदर वर्ड, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from a denser to rarer medium in such a way that the angle of refraction becomes 90, तो क्या हो जाएगा, corresponding angle of incidence in the denser medium is called the critical angle for the given pair of media. Angle of incidence यानी कि इसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, denser medium वाले की ही। डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 हो जाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम का क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो टोटली लाइट क्या होगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, और इस फिनोमिनन को कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ग्लास, हमने यहाँ पे ले लिया एयर, ठीक है। अब ये ग्लास में ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है और मेरा रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में के एंगल। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो भी किसका निकालेंगे हम यहाँ पे, एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि यहाँ पे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बन रहा है, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। एक्चुअली में ये साइन आई को हम क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं क्योंकि ये वही एंगल है जब रिफ्रैक्शन कितना है, 90 है, ठीक है। तो बल्कि न लिख के यहाँ पे थोड़ा सा और आपको एक लाइन बढ़ा देते हैं, हाँ साइन आई को क्या लिख सकते हैं, साइन आई सी, क्यों, क्योंकि ये वही क्रिटिकल एंगल है जिसमें रिफ्रैक्शन हमारा साइन 90 हुआ है। अब 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये कितना आ गया, साइन आई अपॉन में 1 आ गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, साइन आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। अच्छा ये तो किसका है, एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, तो उसके लिए एक और चीज देखो, आपको याद होगा कि अगर एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इतना है तो ये किसके होगा, ये आपका ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रेसिप्रोकल होगा। तो यानी इसको रिप्लेस कर देते हैं यहां से इसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि अगर हमको इसका रेसिप्रोकल करना हो जाएगा, बस हमको ग्लास का निकालना है अगर एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कर देंगे, वन अपॉन में साइन आई कर देंगे, और ये वन अपॉन में साइन आई क्या होता है, ये हमारा होता है कॉसिक होता है, तो कॉसिक आई हो जाएगा, ठीक है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो ये रिलेशनशिप हो गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसके साथ, क्रिटिकल एंगल के साथ, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है फॉर सम सब्सटेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर का है, टर्पेंटाइन का है, ग्लास का है, फ्लिंट ग्लास का और डायमंड का, इतना कुछ याद करने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रिटिकल एंगल को,
तो इफेक्ट ऑफ कलर ऑफ लाइट किस तरह से ये इफेक्ट करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज मोर फॉर वायलेट रेड, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए ज्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए सबसे कम होता है. देयरफॉर क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इज लेस फॉर द वायलेट लाइट एंड मोर फॉर द रेड लाइट. यानी क्रिटिकल एंगल क्या होगा, रेड के लिए ज्यादा होगा और वायलेट के लिए आपका कम होगा. दस क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट. यानी कि जितना आपका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा लाइट का, वैसे ही वैसे आपका क्रिटिकल एंगल भी बढ़ता चला जाएगा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं. तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर अगर मीडियम का बढ़ाओगे, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया इनक्रीजेस. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज करेगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मीडिया के लिए फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया इंक्रीज करेगा. दस क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. यानी कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते जाओगे ना, तो उतना ही क्रिटिकल एंगल भी आपका इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमने देखा, क्रिटिकल एंगल तक पहुंचे, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इंक्रीज किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मिला. व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे पहुंचे, इट इज पॉसिबल दैट नो पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड. कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, बट होल ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम. पूरी की पूरी लाइट वापस से सेम मीडियम के अंदर आ गई. डेफिनेशन इसकी देख लो कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम, ये डेंसर और ये रेयर मीडियम पे इंसिडेंट है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. फॉर द पेयर ऑफ मीडिया द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, वापस आ जा रही है जो रे है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होके इन टू द डेंसर मीडियम, सेम मीडियम के अंदर. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन में दो मीडियम, रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम. नेक्स्ट है एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आप चाहते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये देखो. लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रेयरर से डेंसर. तो ये पहला कंडीशन. एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से. फर्दर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं प्रिज्म में. देखो प्रिज्म में ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कई सारे काम होते हैं और रिफ्रैक्शन से भी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू 45-90-45 का प्रिज्म, यानी कि ये आइसोसेलेस प्रिज्म देखेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म को. अ प्रिज्म हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंड द अदर टू एंगल्स ईच इक्वल टू 45 इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. इस प्रिज्म को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. कौन सा प्रिज्म, जिसमें 90 डिग्री दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में हो और बाकी दोनों 45-45 एंगल हो. द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी ऑफ इट्स फेसेस सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द प्रिज्म. अब ऐसे प्रिज्म के अंदर ये 90 डिग्री है, बाकी दोनों 45-45, तो जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं। अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, किस वास्ते इस टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को इस्तेमाल किया जाता है, टू डेविएट अ राइट रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पे डेविएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, और टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन इन इट्स पाथ। बिना डेविएट किए एक इरेक्ट इमेज है ना, अरे सॉरी, इन्वर्टेड इमेज को सीधा करने के लिए, ठीक है, ऐसा अगर इमेज है तो उसको सीधा करने के लिए, आगे देखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सबसे पहला, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। अब यहां पे रे ऑफ लाइट को हमको डेविएट करना है, तो देखो यहां पे ये जो आपका रे ऑफ लाइट जा रही है ये बिल्कुल डेविएट हो रही है कितने पे, 90 डिग्री पे, ठीक है, कितने पे डेविएट हो रही है, 90 डिग्री पे। तो इस तरीके से एक रे ऑफ लाइट को डेविएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 90, 45 एंड 45 वाले प्रिज्म से, कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच में एंगल 90 हो और अदर टू एंगल्स 45, 45 हो। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में इस्तेमाल होता है, वेयर अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज इन प्लेस ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, यहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहां पे पेरिस्कोप में। नेक्स्ट है, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। अब देखो यहां पे सेम आपका प्रिज्म है लेकिन अब इस तरीके से यूज हो रहा है। अब यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, क्यूपी। अब इसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये 90 पे डेविएट किया और ये वाली रे भी 90 पे डेविएट की, अगेन यहाँ पे डेविएट हुआ 90 पे और ये वाला भी अपना डेविएट हुआ 90 पे, यानी दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें हुआ, तो 90, 90 टोटल 180 पे क्या हो गई, ये डेविएट हो गई और इसका इमेज देखो ये आपको मिल रहा है, ये डेविएशन हो गया। ये एक्शन यूज होता है किसमें, बाइनोकुलर एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैमरा में इसको यूज किया जाता है, डायग्राम देखेंगे आगे हम लोग। टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन, देखो ये इमेज है इन्वर्टेड है तो इसको इरेक्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सीधा इमेज इसका फॉर्मेशन होगा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ 90, 45, 45 वाले प्रिज्म से, ये दो रे ऑफ लाइट जा रही है यहाँ पे। अच्छा, सारा खेल ना ज्योमेट्री का है, देखो इससे पहले भी शायद मैंने नहीं बताया वो है क्या, एक्चुअली में क्रिटिकल एंगल जो ग्लास के लिए है ना वो आपका 42 डिग्री है, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है ग्रेटर देन 42, 45, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। वहीं आगे भी देखो इस वाले में भी जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ये नॉर्मल पे कितना एंगल बना रहा है 45, यानी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, ये वाला जो एंगल है इट इज लेस देन 42 डिग्री, और 42 डिग्री से लेस होने की वजह से सॉरी ये तो इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट के लिए नहीं, तो पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अब ये वाली जो एंगल बनेगी ना ये आपके 45 बनेगी, 42 से ग्रेटर बनेगी, और 42 से अगर ग्रेटर बनी तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे बाहर ना निकल के बल्कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट, यहाँ पे देखने लगा था ना मैं, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, तो डेंसर से रेयर जाते हुए अगर क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री है ग्लास का, उससे ज़्यादा डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हम मिल रहा है तुमको कैसा मिल रहा है, इरेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो यहाँ पे
ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, नॉर्मल भी यही ड्रा होती तो इंसिडेंट है बिल्कुल, तो ये अनडेविएटेड पास होगी पहले, तो कैसी पास होगी ये अनडेविएटेड, ठीक, तो ये अनडेविएटेड पास हुई। उसके बाद जब ये यहां पे स्ट्राइक की ना, तो स्ट्राइक करने के बाद ये हमको ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने के बाद ये पूरी एंगल 90 हुई, ये 90 है 60 90, तो यहां कितना एंगल निकला 30, अब 30 ये निकला तो बगल में कितना एंगल निकला 60 डिग्री, यानी कि ये इंसिडेंट हो रही है कितने पे 60 पे, और 42 डिग्री से ज्यादा है 60 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस लाइट का। अब ये लाइट जो है बाहर को निकल जा रही है, क्यों बाहर को निकल जा रही है, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने पे क्या होगा, देयर विल बी नो रिफ्रेक्शन और सच इंसिडेंट क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एकदम सीधे बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ 30 90 60 प्रिज्म। अब ये देखो इसमें भी सब ज्योमेट्री है, एवरीवेयर यू विल फाइंड ज्योमेट्री ओनली, अगर ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी आपने तो सब कुछ आपके लिए सिंपल है। अब यहाँ पे देखो 30 का 90 का 60 का लिया है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट देखो इंसिडेंट यहाँ है, यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, एंटर करी तो आपने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, आपका काम है सबसे पहले ड्रॉ करो यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया, ये 60 है, ये 90 है, ये ऑटोमेटिकली 30, तो ये एंगल कितनी हुई 60, क्यों, क्योंकि ये पूरी एंगल यहां से यहां तक कितनी है 90, ये 30 हुआ ये 60 हुआ, क्रिटिकल एंगल ना, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, 42 डिग्री से ज्यादा, तो क्या हो गई, ये रे ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। फिर यहां पे जब आप स्ट्राइक करवा रहे हो तो यहां पे स्ट्राइक करते हुए जो एंगल बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री, तो अब क्या लाइट रिफ्लेक्ट करेगी अंदर, नहीं, अब लाइट बाहर निकलेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, और जब डेंसर से रेरर में जाएगी तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगेन यहां पे परपेंडिकुलर लेके आए हो आप, तो ये कितना है 90 है, 60 90, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 30, ये 30 तो बगल में ये ऑटोमेटिकली कितना है 60, अब ये एंगल कितना है 60 यानी ग्रेटर देन 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो टोटली इंटरनली ये क्या हो गई लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां 30 पड़ रहा है तो इसलिए क्या हो जा रही है लाइट बाहर निकल जा रही है। फिर वही चीज देखो यहां पे इस प्रिज्म में ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने यहां पे क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 30 है ये 90 है ये कितना हुआ 60, 60 के बगल में 30 आया, अब 30 है यानी क्रिटिकल एंगल से कम है तो रे बाहर निकल जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। फिर यहां पे देखो 90 90, ये कितना आया 60, अब ये 60 आया तो ये पूरी 90 थी तो 60, तो ये ऑटोमेटिकली 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, तो रे बाहर निकलेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यूज कहां करते हैं इसका भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर, तो देखो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू डेविएट द लाइट रे बाई 90 डिग्री इन पेरिस्कोप एंड बाई 180 डिग्री इन बाइनोकुलर। तो देखो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एक बार और यहां दो बार, और उसके बाद ये स्ट्रेट तुम्हारी आंखों को निकली है ना, इस वाले में भी देख सकते हो। फिर इसका यूज तो हो गया, ठीक है, ये तो यूज था यहां पर यूज ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का। अब क्या देखते हैं यहां पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहला है कि ऑन अ हॉट सनी डे, बहुत गर्मी वाला दिन जब रहता है तो कभी आप हाईवे वगैरह पे ट्रेवल करोगे तो देखोगे अ ड्राइवर मे सी अ पूल ऑफ वाटर ऑन द रोड बिफोर हिम, ऐसा लगता है कि सामने क्या है पानी का दरिया वगैरह या कुछ है। इट इज द फिनोमिनन ऑफ मिराज विच इज ऑफन ऑब्जर्व इन द डिजर्ट। अब यहां पे होता क्या है,
कि यहाँ पे एयर है, ठीक है। अब ये जो इसकी इमेज है, रे ऑफ लाइट्स नीचे जा रही हैं, तो नीचे क्या हो रही हैं, जाने के बजाय ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो रही हैं, आंखों तक पहुंच रही हैं। तो क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन आपको जमीन पे दिखाई देगा, किसका, इमेज का। और इमेज का फॉर्मेशन दिखाई देगा मतलब उसकी परछाई दिखाई देगी, और परछाई कब दिखाई देती है, हमने देखा है कि वाटर वगैरह में दिखाई देती है या फिर शाइनिंग सरफेस पे दिखाई देती है, तो इसको क्या लगेगा कि आगे पूल ऑफ वाटर है। इसके अलावा एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब प्लेस्ड इन वाटर, एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब देखो यहां पे रखा गया है, वाटर इन अ बीकर, बीकर में, विथ माउथ आउटसाइड वाटर सरफेस शाइन्स लाइक अ मिरर। ये देखो कैसा चमक रहा है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। अ क्रैक इन अ ग्लास वेसल ऑफन शाइन लाइक अ मिरर, तो देखो ये भी यहाँ पे क्रैक जो होता है ना वो भी चमकता है, ठीक है, किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अ पीस ऑफ डायमंड स्पार्कल्स व्हेन व्यूड फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन, अब देखो डायमंड में होता है क्या कि इसमें भी वे ऑफ लाइट आई, अब क्या होगा, ये मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, तो इसीलिए पीस ऑफ डायमंड भी एक सर्टेन डायरेक्शन से देखने पे क्या होता है, बिल्कुल चमकता है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज टू ट्रांसमिट अ लाइट सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ नेग्लिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी, सम लॉस मे बी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इन द मटेरियल, वरना क्या होता है कि फाइबर में क्या करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके हम लोग सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं, और ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने की वजह से लॉस किसकी वजह से होगा, सिर्फ मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा तब, और अगर मटेरियल एब्जॉर्ब करने वाला ना हो या लीस्ट एब्जॉर्ब करने वाला हो तो विदाउट जो है कि द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ये हमारा केबल के थ्रू सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंच सकता है। ऑप्टिकल फाइबर यूज तो कर रहे हैं हम लोग अभी उसमें आपका इंटरनेट के लिए। तो ये एंड था वीडियो का, जितना कुछ भी मैक्सिमम था बुक में वो सारा कुछ हमने कवर करने की कोशिश की है, तो चैप्टर जरूर पढ़ें क्वेश्चन आंसर से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।